वैसे अभी जस्ट वंशी भैया की दोस्त हमारे लिए लंच लेके आ चुकी है। वंशी भैया क्या खा रहे हो लंच में आप? आलू की सब्जी है भाई, आलू छोले की। मैं और कार्तिकी भाई तुम क्या खा रहे हो? तो भी यही खा रहा हूँ भाई। कमी किस चीज़ की लग रही है आपको? अरे कमी भाई, छाछ के लिए बोला, छाछ नहीं आई। यार बंस की जान है छाछ और वो आई नहीं। और सलाद मंगाया, सलाद में एक प्याज काट के दे दिया उन्होंने। अरे बंसी जी तुम्हारे साथ तो धोखा कर दिया इनने। क्या चाहिए तुम्हें सैलेड में? और कुछ तो देती, उसमें खीरा क्या कड़ी, कुछ तो काट देते यार। हाँ तो बंसी जी आ गए आपकी फेवरेट छाछ। मजा आ गया देखती छाछ को, मेरे को मजा आ गया, मन ही खुश हो गया मेरा। पी के देखो, मजा आ गया। चलो कोई नहीं बंसी, ऐसे मजे करते रहो। और गाइस पहले वंशिया ने शिकायत करी थी, इस बार प्याज छोड़ के सब मंगवा दिया हमने। मंगवा दिया वंशिया? मैं क्या कह रहा हूँ वंशिया, आप तो ऑर्डर दो, आपको मजे कराने की गारंटी हमारी है। ठीक है ठीक है, पी लो आप आराम से, फिर निकलेंगे अपन लोग। ठीक है ना, आज वहाँ भी एंजॉय करेंगे फुल। तो कार्तिक कहाँ निकल रहे हैं अब? तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं एशिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक के अंदर, तो वहाँ पे काफी एंजॉय करने वाले हैं। लेक के अंदर घुसेगा क्या? नहीं, लेक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे काफी एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे जो है वाटर स्पोर्ट्स हैं काफी सारे, ऐसा मैंने सुना है, कभी देखा नहीं है, तो वहाँ चल के सीधा देखते हैं। चलो तो बंसी जी का मग गए। तो बंसी भैया कितनी देर लगेगी अपन को डेस्टिनेशन पहुंचने में? 20 मिनट। बस 20 मिनट? यस। और आप तो हैवी ड्राइवर हैं, आप 5 मिनट पहुंचा ही देना। हाँ। दरअसल मेरे भाई, क्या मैं कह रहा हूँ उनके सामने खड़े हो जाए जाके, आज तेरा भाई लूसीफर बनेगा। कौन सा स्कूटर? हाँ स्कूटर चला। हाँ मेरे को चला, वो मेरे को चलाना। आपको ही चलाने का बंसी स्कूटर? अरे बंसी तुम पहले बाइक चलाना सीख लो। वो तो आपसे सीधी चलती नहीं है। अब बंसी चलाएंगे आप स्कूटर? आपने देखा हम कार ड्राइव करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, स्कूटी ड्राइव करते हैं, आज अब हेलीकॉप्टर भी ड्राइव कर लिया, आज अपन बोट ड्राइव करेंगे। मतलब हेलीकॉप्टर कब ड्राइव किया? अब काफी मजा आने वाला है। आप तो ड्राइविंग करने वाले थे ना? कोई बात नहीं, भैया बोले मैं चलाता हूँ, फिर मैं उनको चलाने दो। यहाँ पे पर्सनल बोट करा दी है कार्तिक के, मेरी और बंसी जी की, और हम जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं ब्रो? ब्रो अपन जा रहे हैं मंदिर में। गाइस मंदिर जा रहे हैं, ये बंसी दे सकते हैं, वीआईपी बंसी जी, वीआईपी बंसी जी नंबर वन के हीरो लग रहे हैं। बंसी जी हाथ तो हिला दो, लोग पागल हो रहे हैं। मजा आ रहे हैं भाई, ठंडी ठंडी हवा में। बंसी हुटिंग कर दो, हुटिंग। बंसी खाना आना है क्या? हम अपने बेस्ट फ्रेंड बल्लू और रुद्र को बहुत मिस कर रहे हैं भाई। अगर तुम दोनों भी आ रहे तो भी मौज करवाते। क्या भाई क्या कर रहे तू? बंसी का पेट। तो गाइस हम लोग यहाँ पे द्वारकाधीश जी के हैं, दर्शन करने आए हुए हैं, तो आपको जरा यहाँ का माहौल दिखाते हैं। हमने
अच्छे से दर्शन कर लिए भगवान जी के और आप लोगों को भी दिखाया उनका दरबार, तो मैं होप करता हूँ अभी पता चले अपनी वो बोट ही गायब हो गई हो वहाँ से, पैदल चल रहे हैं पैदल ही तैर के चलेंगे, तैर के चलना पड़ेगा नहीं। और दर्शन भाई आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए यार, ये भी भगवान की भक्ति में एकदम लीन हो गया था दर्शन भी। लो वंशिया अब ये बताओ जरा कैसा लगा आपको दर्शन करके? दर्शन से मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तृप्त हो गई और दर्शित तेरे को भगवान द्वारकाधीश जी के मंदिर में पधार के हमारी आत्मा बहुत पवित्र हो गई, हमें अत्यधिक खुशी हो रही है इस मंदिर में आकर। अच्छा। आशा करता हूँ भगवान ऐसे ही हमारे ऊपर हमारे चैनल के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे और हमें जल्द से जल्द कामयाबी दिलाए। हाँ और गाइस भगवान के साथ प्लीज आप लोग भी अपनी कृपा जो है मेरे चैनल पे बरसाते रहे, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। पेट्रोल की स्मेल कैसे आ रही भैया, इसमें लाइट भी है क्या आगे? काट के तू बता मेरे भाई तुझे कैसा लगा? बहुत मजा आ रहा है आज। दर्शिल भाई चल ले भाई यही रुकने का मन है इधर तू खुद तो जल्दी से कर देगी भाई तू चलेगा तभी तो चलूंगा भाई भाई तुम ब्लॉगिंग तो बंद करो भाई अभी करेंगे ब्लॉगिंग करेंगे आजा चल टाइम ही है अबे जैकेट का लेके जा जैकेट खोल क्या कर दी तुम मजाक करते हो यार ये ब्लॉग में नहीं डालेंगे भाई तुम ही डालेंगे तब लक्कड़ नहीं हुआ है तू भड़क निकल गई एक बार बस। अपना रेस यहाँ सर्किट हाउस, सर्किट हाउस नाम से बड़ा तबाता भड़कता लग रहा है। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सर्किट हाउस में। बंसी भैया क्या रूम नंबर है अपना? तुम्हें जल्दी क्यों हो रही थी जाने में? बंसी इतनी फुर्ती से कि चल रहा आप यार, बंसी एक गेट तो खुली रहा आपसे। ओहो नहीं यार कार्तिके क्या हो गया भाई, तेरे ऐसे कैसे खड़ा है तू? बंसी आप बताओ कहाँ है, मेरे पागल हो गया तो क्या? अपन खाना खाएंगे हाँ वहाँ पे, इसके बाद में अपन चलेंगे अपने जहाँ अपने रूम लिया है। कहाँ रूम लिया अपने? सर्किट हाउस। अच्छा अच्छा रात समुद्र बढ़िया लेक व्यू के बगल में उसका जगह है। हाँ मजा आने वाला है, बाकी कार्तिकी जी बताएंगे। तो गाइस हमें सर्किट हाउस के अंदर, ये पहले लाइट जलाओ यार। तो गाइस हमें सर्किट हाउस के अंदर रूम बहुत पसंद आया तो हमने देख लिया उस रूम को, आपने देखा होगा वो बंसिया ही बोल रहे नहीं यार कार्तिकी वाला सीन ठीक है, तो रूम तो काफी अच्छा था लेकिन हम लोग डिनर करने बाहर आए हुए हैं तो यहाँ पे डिनर करते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं रूम में। यह वीवीआईपी व्यवस्था फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम राजस्थान, बंसी चौधरी फ्रॉम जयपुर फ्रॉम सांगानेर ग्रुप के लिए, ई ग्रुप के लिए, ई ग्रुप के लिए। एंड गाइस ई ग्रुप के दो दो लोग नहीं आए आज, जो है बल्लू एंड रुद्र, वो दो नहीं है। हमें इसके थोड़ा सा आगे क्या करें, थोड़ा खेद हो रहा है हमें, नेक्स्ट टाइम ये ग्रुप पूरा इसी होटल में यहीं इसी टेबल पे आपको यहाँ मिलेगा, जो आगे वाला ब्लॉग होगा आगे वाला सॉरी जब यहाँ आएंगे रास्ता उस टाइम पे टीम को लेके आएंगे पूरी ई टीम को, पूरी ई समझ रहे हो, पूरी ई टीम आएगी पूरी ई टीम। और वैसे भी हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो रही है, अगर अपन यूट्यूब फैमिली को लाए तो ये जगह भी जो है छोटी पड़ जाएगी, सब लोग मौज करने आ रहे हैं, इन फ्यूचर अपन लोग करेंगे फुल पार्टी मौज मस्ती। उस दिन पूरी होटल बुक करेंगे, पूरा अपना ही होगा, जलसा ही यही होगा एक ग्रुप का, जिस दिन यहाँ आके हम मौज मस्ती करेंगे पूरी कार्तिकेय भारद्वाज फैमिली यही होगी। ठीक है खाना ऑर्डर करो। ओके ब्रो अपने पास में हक्का नूडल्स है लेकिन हक्का नूडल्स आगे बंसी में हक्के बक्के नहीं हुए। अरे इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं क्या लेके आए यार। बंसी भैया एक और प्लेट खाने की आ गई। वेलकम बैक टू फूड ब्लॉगिंग विद कार्तिकेय। यस गाइस आज हम रिव्यू करेंगे चाइनीज मेल, कैसा है दोस्त? काफी क्रंचीनेस है इसके अंदर, डाला हुआ है, भी देख के मुंह में पानी आ रहा है, उनका दुख दर्द समझ सकते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं जब यूट्यूब में किसी को खाते हुए देखते हैं, हमें भूख लगती है उस टाइम, जिसको भी भूख लग रही है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं गाइस इट्स वेरी वेरी टेस्टी। तो गाइस हम लोग डिनर कर ही रहे थे कि अचानक से एक बहुत ही वीवीआईपी आदमी हमसे मिलने आ गया है, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम राजस्थान, मिस्टर पुष्पेंद्र भारद्वाज एंड उनके खास मित्र। बाबा बताइए जरा कैसा आना हुआ आपका यहाँ पे? कि तुम लोगों की सेवा प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं नहीं बाबा बिल्कुल परफेक्ट सेवा हो रही है हमारी, तो आपको टेंशन लो ही मत इस बात की। तो ओके गुड अच्छी बात है, आप तो ये देखो बंसी आगे हो रही है नहीं हो रही सेवा। गाइस हमारा पेट भर गया है भाई, दर्शन लेके तरीके हैं भाई। मैं चेक कर रहा हूँ हमारे बंसी जी भूखे पेट घर नहीं जाए मैं तो
डिश होटल में रियल में ही बहुत ही मस्त अल्टीमेट खाना है। अच्छा दर्शन भाई तेरे को कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा। और ये फिर से दर्शन अपनी आदत से मजबूर सौंफ खा रहा है यहाँ पे। ये खाता थोड़ी है तो ठूस लेता है मुँह में। इतनी ज़्यादा सौंफ कौन खाता है भैया? भाई खाता ना हमारा। कौन खाता? भाई खाता है। भारत माता की जय। गाइस हम लोग अभी जस्ट पहुंचे और हमने देखा कि बंसी भैया के लिए एक्स्ट्रा बेड लग गया है। बंसी भैया ये तो मरीजों वाला बेड है आपके लिए, देखो ऐसे तो होता है हॉस्पिटल में। भाई लेकिन मस्त लगाया। मस्त लगाया क्या? बिल्कुल। और यार खिड़की है बाहर, क्या सेक्सी व्यू है। कल सुबह दिखाएंगे। अरे सुबह दिखाएंगे, अभी दिखा कौन रहा है? कल का व्लॉग नहीं देखेंगे फिर ये लोग, अभी दिखा देंगे तो। और ये भी सुबह दिखाएंगे हम आपको, ये भी सुबह दिखाएंगे। बंसिया जैसे मैं रोज बिस्तर पे कूदता हूँ नए नए होटलों में जाके, आज एक बार आप भी ट्राई करो। पक्का? प्लीज। नहीं यार बंसी जी, बंसी का पेट। तो गाइस बंसी और दर्शन तो सो गए हैं एंड अब मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। तो मैं होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।